हेलो दोस्तों, फ्राइडे अकेडमी में आपका स्वागत है। कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, मैट्रिक्स के पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैं मैट्रिक्स टाइप और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी थी। आज मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। सेकंड पार्ट के अंदर पहला पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेज, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड किस प्रकार से करेंगे, कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ध्यान से समझना। लेट अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन की है एंड सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास बी आई जे पी क्रॉस क्यू की है और हम ये कहते हैं कि ए प्लस बी पॉसिबल है, मतलब ए प्लस बी करना है, तो मैट्रिक्स को ऐड करने का पहला हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, ए प्लस बी का मतलब है कि इनके जो करस्पोंडिंग एलिमेंट हैं, करस्पोंडिंग एलिमेंट ही आपस में ऐड हो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से वो आप देख लेना किस प्रकार से ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब हमारे पास अब आ गया तो मैं आपके सामने इसके दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब एडिशन के बाद जस्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ए इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू ए है, हमें क्या करना है, ए प्लस बी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, ए का ऑर्डर कितना है। देखिए दो रो है और तीन कॉलम, 2 × 3। बी का ऑर्डर कितना है, 2 × 3, यानी कि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पॉसिबल है, इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो जब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं तो ए प्लस बी, ए 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 5 4 3 2 1 ऐड करिए। मैंने अभी जस्ट पहले पर क्या कहा था कि करस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, ये आपका आंसर है। आइए इसके सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए का ऑर्डर चेक करिए, दो रो तीन कॉलम, 2 × 3। बी का ऑर्डर चेक करिए, 3 × 3। तो क्या ये ऑर्डर सेम है, नहीं, इसका मतलब ए प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां तक हमें एडिशन पे ध्यान, एडिशन के बाद टॉपिक ले रहा हूं मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से किस प्रकार से किस टाइप से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए, लेट ए आई जे एम क्रॉस एन है और मैंने किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15 18, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं इसके एक क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन,
अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को इन सबसे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थी स्क्वायर थीटा। एडिशन में जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ही ऐड होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा जीरो, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा जीरो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1001, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब मैं इसके अगले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है जिसमें ए प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसको सब्जेक्टिव तरीके से सोल्व करने का मेथड तो क्या है कि आपको लेट करना है b इक्वल टू 2, 3, -1, 4 एंड c इक्वल टू 3, -6, -3, 8। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू सी। इस b को हटाने के लिए ट्रांस न करके दोनों तरफ माइनस बी एड कर देते हैं, और माइनस बी ये प्लस का भी है माइनस बी कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस माइनस बी। सी आपको पता ही है 3, -6, -3, 8 और माइनस का बी यानी कि जो बी की वैल्यू इसको माइनस से इंटू कर दीजिए -3, +1, -4। चलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट ऐड करिए 3, -2, 1 -6, -3, -9 -3, +1, -2, 8, -4, 4 ये हमारे पास आंसर है। इस टाइप से आपको सब्जेक्टिव तरीके से सोल्व करना है और ऑब्जेक्टिव तो आप इसको इधर क्रॉस इधर ट्रांसफर करके आराम से सोल्व कर सकते हैं। आइए मैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे बात करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन इसे सेकंड इक्वेशन सोल्व लिख लेंगे। अब आपने एक बात देखी है, यहाँ 2x - y है और ये x + 2y है, ठीक है, 2x - y है, x + 2y है। तो यहां से y को हटाने के लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूं प्लस सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2x - y इंटू में 2 प्लस x + 2y। अब देखिए इसको मैंने इंटू किया है 2 से तो 12 -12 0 -8 4 2 +3 2 5 -2 1 -7। तो देखिए 2 + 4x + 2y - 2y = 12 + 3 15 - 12 + 2 - 10 0 + 5 5 - 8 - 2 - 10 4 + 1 5 2 - 7 - 5। यहाँ से देखिए आपके पास 2y से 2y कैंसिल 5x 15 - 10 5 - 10 5 - 5। तो x की वैल्यू 5 का डिवाइड कर दीजिए 3 - 2 1 - 2 1 - 1। ये तो आपके पास x आ गया। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके करना है। आगे आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारे पास एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर
क्वेश्चंस थे, तो ध्यान से देखिए और एनसीईआरटी या अदर्स बुक में जो भी प्रॉब्लम है वो आप सोल्व करिए। अब जो मैट्रिक्स का अगला पार्ट आ रहा है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है, बच्चे कई बार इसे गलत भी करके आ जाते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में कोई गलती ना करें, इसलिए ध्यान से देखिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज, दो मैट्रिक्सेज का मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से होगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें क्या क्या रूल्स है वो ध्यान देना है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास बी बी आई जे पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की है, अगर मेरे पास ये दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सबसे फर्स्ट रूल, सबसे पहला रूल क्या आपको ध्यान रखना है, एम क्रॉस एन पी क्रॉस क्यू, यानी कि ए प्लस ए बी विल बी डिफाइन इफ ये दोनों सेम होने चाहिए, एन इक्वल टू पी, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रही है उसका ऑर्डर लिखेंगे, सेकंड में लिख रही है फिर उसका ऑर्डर लिखेंगे, लास्ट के ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये क्या है, एन तो है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, पी क्या है नंबर ऑफ रो इन बी, मतलब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो ही ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। और इसका मतलब बाकी के ये जो दो बच गए तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा एम क्रॉस क्यू, बाकी का जो बचा हुआ है मतलब ए बी का जो क्रम होगा वो ये होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इसमें कम्युलेटिव रूल्स नहीं मिलता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन में खास पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट में मैट्रिक्स लिखी जाएगी उसकी हमें रो आर वन आर टू रो सेलेक्ट करनी है और जो सेकंड में मैट्रिक्स लिखी जाएगी उसके हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ऐसे कॉलम सी वन सी टू सी थ्री, और जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, आर वन को सी वन से मल्टीप्लाई, आर वन को सी टू से मल्टीप्लाई, आर वन को सी थ्री से मल्टीप्लाई, ऐसे ही R2 को C1 से मल्टीप्लाई, R2 को C2 से मल्टीप्लाई, R3 को C3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही R3 को C1 से मल्टीप्लाई, R3 को C2 से मल्टीप्लाई और R3 को C3 से मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए कि क्वेश्चंस लेके चलते हैं फिर आपको बताते हैं किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा सोल्व देखिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2 इंटू टू, बी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू टू। अब आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए 5 - 1 = 6 - 7 फिर 2 - 3 = 1 = 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो फर्स्ट में दिया जाएगा उसकी R1 सेलेक्ट करेंगे, R1 एंड R2, जो सेकंड हो गए उसके हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं।
ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो देखो इस R1 में कितने एलिमेंट है, 1 एंड 2। इस R C1 में कितने हैं, 1 और 2। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 5 इंटू 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से माइनस 1 इंटू 3। यस यू नो। अब आते हैं R1 को लेके सेकेंड वाले कॉलम पे, 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4 और ये बॉक्स बंद कर दिया। आइए सेकेंड रो कॉलम वो सो के सेकेंड रो में आते हैं। फर्स्ट में 6 और इसके कॉलम फर्स्ट के में ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। आगे 6 इंटू 1 और 7 इंटू 4। दो क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने दोबारा पेश हुआ हूं, तो ध्यान से देखिए। इस पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है ये दो मैट्रिक्स का पहले तो इन्होंने ऐड किया हुआ है, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो देखिए इनको ऐड करें, 1 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 और हमारे पास क्या है अगली मैट्रिक्स 1 3 5 2 4 6। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इसका फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली, फर्स्ट कॉलम कितने एलिमेंट है फर्स्ट रो में, 2 और फर्स्ट कॉलम में इसके में 2 एलिमेंट। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई की, 4 1 जा 4, 1 इंटू 2 प्लस का 2। अब इसके सेकंड कॉलम को लीजिए, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 इंटू 4 4। फिर इसके थर्ड कॉलम को लीजिए, 4 इंटू 5 20 प्लस 1 इंटू 6 यहाँ तक बस। अब आइए इसकी सेकेंड रो को, सेकेंड रो को सेकेंड में ही लिखेंगे। तो इसके दो एलिमेंट से इसके फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट से, माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2, माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 10, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18। देखिए कितना आया, 8 16 26 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 20, यह आपका आंसर है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है इसका ऑर्डर क्या क्या है, 1 2 3 और एक ही रो है तो 1 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 का है और अगले वाली जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 1 के ऑर्डर की है। अब सुनिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, बच गया कौन, 1 इंटू 1, यानी कि हमारे पास जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी वो 1 इंटू 1 ऑर्डर की होगी। करें इंटू इसे, कई बार बच्चे कहते हैं बोले सर इन दोनों को पहले इंटू करो चाहे इन दोनों को, आपका मन करे चाहे पहले इनको कर लो चाहे इनको कर लीजिए इंटू, जैसा आपका मन करे। देखिए इसमें रो है ए की, इसमें कॉलम है 3, 1 2 3 और हमने एक बार नोट भी की है इसमें इस रो में 3 एलिमेंट है तो इस कॉलम में भी हर एक में 3 3 एलिमेंट है। तो देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 0 0, यहाँ खत्म। आज जैसे ही सेकेंड कॉलम लिखेंगे अगले हम सेकेंड कॉलम ही लिखेंगे, यहाँ पर 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। चलिए अगले में 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 और क्या हमारे पास यहाँ पर 2 4 6, 4 प्लस 1 5, 3
10, 2, 4, 6, चलिए इसको वापस इंटू करते हैं, 5 × 2, 10 प्लस 3 × 4, 12 प्लस 10 + 6, 16, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 82। मैट्रिक्स के अंदर ही लिखना है इसको, ये आपके पास आंसर है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके पास सोल्व, ठीक है। दो क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने वापस आया हूँ। एक हमारे पास लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स, हमें ए माइनस टू आई और ए माइनस थ्री आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हमें ए माइनस टू आई निकालना है। ए कितना है हमारे पास, 4, 2, -1, 1 माइनस टू आई 1, 0, 0, 1 तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 4, 2, -1, 1 इस माइनस टू को अंदर कर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस टू 0, 0, -2 4 - 2, 2, 2 + 0, 2 -1 + 0, -1, 1 + -2, -1 ये हमारे पास है। ए माइनस थ्री आई में ए कितना है हमारे पास, 4, 2, -1, 1 थ्री आई 3, 1, 0, 0, 1 4, 2, -1, 1 थ्री माइनस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करते -3, 0, 0, -3 देखिए अब ध्यान से 4 - 3 + 1, 2 + 0, 2 -1 + 0, -1 और 1 - 3 - 2 जब a माइनस टू आई और a माइनस थ्री आई हमें मिल चुके, अब हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस टू आई इंटू ए माइनस थ्री आई। तो a माइनस टू आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, 2, -1, -1 और a माइनस थ्री आई की वैल्यू 1, 2, -1, -2 तो इसको इंटू कर दीजिए। जैसे हमने इसको इंटू करेंगे तो इसका आंसर 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चाहे आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए चाहे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो करते हैं हम इस चीज़ को, पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे तो 1 प्लस प्लस लगाना है, फर्स्ट एलिमेंट को इस सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट से करेंगे तो 0 प्लस x इंटू टू 2x 1 × 0, 0 1 × 2, 2 1 × x × 1, x आइए थर्ड में आइए 1 × 2, 2 1 × 1, 1 1 × 0, 0 और हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1, 1, 1 ये आ गया 0। चलिए 1 + 2x, 2 + x, 3 और ये आ गया 1, 1, 1 और ओ हम जानते हैं ये केवल एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है, 0 मैट्रिक्स है वो भी। तो इस 1 + 2x को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 + 2x प्लस 2 + x को 1 से मल्टीप्लाई करिए 2 + x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 और ये किसके इक्वल है, 0 के। और कल भी बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स में अगर कोई भी एलिमेंट्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो x और 2x और x 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू माइनस का 2 आएगा। ये हमारे पास इन दोनों के आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए अब आपके आंसर, ए की वैल्यू दी गई, आई की वैल्यू दी है और एक हमें कंडीशन दी है ए स्क्वायर इक्वल टू 80 प्लस की आई, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर निकालना और ए स्क्वायर के लिए हमें ए डॉट ए लिखना है। ए कितना है हमारे पास, 1, 0, -1, 7 1, 0, -1, 7 इसको इंटू करिए, ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से इंटू 1, 1 + 0, 0 +
जीरो माइनस, अब इसको इनसे माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस सेवन माइनस वन माइनस सेवन, माइनस वो जीरो प्लस 49, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 माइनस 8 49। तो हमें गीवन क्या है, गीवन है ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 10 माइनस 8 49, 8a, ए कितना है 10 माइनस 1 7 और के आई 1001। इन सबको अंदर इंटू कर दीजिए, 10 माइनस 8 49, 8 से इंटू करते ही 80 माइनस 8 56, के से इंटू करते ही के 00 के, चलिए 10 माइनस 8 49, हाँ जी 8 प्लस के 0 माइनस 8 56 प्लस के। तो अब आप नोट करिए, दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, 1 8 प्लस के इक्वल, तो के की वैल्यू माइनस 7, माइनस 8 माइनस 8 के इक्वल 0, 0 के इक्वल 49 इक्वल टू 56 प्लस के, तो के की वैल्यू माइनस 7। तो इसका करेक्ट आंसर ये माइनस 7 होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन के अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स एक मैट्रिक्स दी गई है, तो हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो पहले आप देखिए, जो ये फंक्शन हमें दिया गया है, इस एक्स की जगह यहाँ एक्स है, तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स मैंने लिख लिया ऐसे कैसे, यस। उसके बाद हमारे पास अगला जो फंक्शन है वो वाई की फॉर्म में है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या रिप्लेस कर दिया, वाई कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कोस वाई, जीरो 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 वन। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, वही सेम फर्स्ट रो के इस फर्स्ट कॉलम से करिए, कोस इंटू कोस, कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर जीरो को इस इंटू करेंगे तो जीरो। आइए अगले वाले, इस रो को अगले वाले कॉलम से, कोस एक्स को माइनस साइन वाई से, माइनस साइन वाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस जीरो। इस कोस एक्स को जीरो से किया तो जीरो, साइन एक्स को जीरो से इंटू किया तो जीरो, और जीरो को वन से इंटू किया तो भी जीरो। आइए हम अगले वाले पे आते हैं। अब सेकंड रो लेते हैं, इससे इंटू करिए, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो से इंटू किया तो जीरो, साइन एक्स को इससे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई, और फिर ये जीरो, तो अगला भी जीरो जीरो आएगा। चलिए इसको इंटू करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, देखिए जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन। देखिए बाप, ये फॉर्मूला किसका है, ये है कोस एक्स प्लस वाई का। यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आते ये प्लस बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, ये आ गया जीरो। आइए ये फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स प्लस वाई का, ये जो फॉर्मूला ये है कोस एक्स प्लस वाई का, ये जीरो 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 और वन। अब देखिए बाप, बात नोट करिए, यहां एक्स यहां कौन है, एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास आंसर आता है एफ एक्स प्लस वाई का, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
ठीक है। यहां ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें मैट्रिक्स ए के बारे में बताना है। मैट्रिक्स ए के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हमें लिखना लेट एम क्रॉस एन बी ऑर्डर ऑफ ए। ए का ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2। तो इसका ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, और जो ये मैट्रिक्स आई मिली हमें इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो ये जो ऑर्डर आएगा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एन की वैल्यू तो 3 × n बच गया हमारे पास, और यही ऑर्डर ये है तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब हमें लेट करना है कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं तो 2 − a 0 − 3 − 4, और वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लेनी है 2 × 3 की। तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये हमने कौन सी मान ली मैट्रिक्स ए, और इसको कर लिया −1 − 8 − 10 − 1 − 2 − 5 − 9 − 22 − 50। चलिए सोल्व करते हैं, इंटू करिए इसको, इस रो को इस कॉलम से 2x − a इस कॉलम से करेंगे तो 2y − b इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से करेंगे तो 2z − c। अब आइए इस सेकेंड रो को इस कॉलम से इंटू करेंगे तो x ये 0, y अगला 0, z फिर ये 0 होगा। आगे आइए इससे −3x + 4a − 3y + 4b − 3z − 4c ये किसके इक्वल है −1 − 8 − 10 − 1 − 2 − 5 − 9 − 22 − 50। चलिए चर्चा करें अब कि 2x इसको कंपेयर करिए। देखिए 2x − 8 ये वैल्यू कितनी है −1, बट हमें ये भी पता चल गया कि x की वैल्यू किसकी इक्वल है 1। तो 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 2 − a − 1, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3, x की वैल्यू मिलेगी a की वैल्यू मिलेगी। आइए 2y − b किसके इक्वल है −8, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू कितनी है −2। y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं −4 − b = −8, तो b की वैल्यू 4। आइए अब चर्चा करें 2z − c की वैल्यू तो कितनी है −10, z कितना है −5, −10 − c − 10, तो c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए मिली वो है 1 − 2 − 5 − 3 − 4 − 0, ये हमारे पास ए के मैट्रिक्स से ए आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन के बाद मैं अपने इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगला जो मैं पार्ट दूंगा उसमें ट्रांसपोजो मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन और भी है वो साथ में क्वेश्चन में कराऊंगा लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू, धन्यवाद।